गाइस बारिश आ रही है देखिए, और बारिश के सीज़न में मुठिया गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको गुजराती मुठिया कैसे बनाते हैं, और इतना मस्त लग रहा है एटमॉस्फेयर। बारिश आ रही है, पेड़ पे से थोड़े थोड़े पानी गिर रहा है, इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और अभी आपने देखा बाहर खूब बारिश हो रही है, और इस बारिश की सीज़न में मैं आपको बता रही हूँ मुठिया कैसे बनाते हैं। तो और बारिश में ये मुठिया खाने को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मुठिया और चाय के साथ हम खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वो बाल बनाने के, अभी बाल नहीं बनाई, बारिश बहुत आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कैसे पार्लर पे जाऊँगी, बारिश रुकेगी तो पार्लर पे जा सकूँगी, तो उस बीच में मुठिया बना लेते हैं हम। और चलिए तो मैं आपको बताती हूँ मुठिया कैसे बनाते हैं। और मैं जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूँ, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और मैं हूँ ब्यूटिशियन, मेरा पार्लर है खुद का, तो वहाँ पर भी मैं सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज तो मैंने टिफ़िन के लिए मुठिया बना रही हूँ, तो उसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पर उसके पहले ये बारिश रुक जानी चाहिए, क्योंकि अब फिर से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उतनी देर में तो फिर से बारिश ज़ोरों से आने लगी है, तो बारिश का बहुत टेंशन है। और मुझे रेनकोट पहन के जाना, बाइक स्कूटी चलाना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़रा हैवी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है उस तरह से। तो भगवान करे बारिश रुक जाए और मैं पार्लर पहुंच जाऊं जल्दी से, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ज़ोरों से तेज हो गई है बारिश। तो गाइस चलिए उस बीच में हम मुठिया बना लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी मुठिया की अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे आगे मैं सब कुछ बताती हूँ, जैसे ब्यूटी के बारे में बताती हूँ, कुकिंग के बारे में बताती हूँ, मेरा ट्रैवल्स वीडियो भी रहते हैं, सब सब एक इन पूरा अंदर नया नया मैं जो दिन ब दिन रोज़ का करती हूँ ना आपके साथ, वही मैं सब शेयर करती हूँ। तो गाइस अगर जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने मैं जो जो सिखा रही हूँ वो ट्राई किया कि नहीं।
तो चलिए गाइस बनाते हैं मुठिया। ये एक्चुअल में गुजराती रेसिपी है, तो गुजराती लोग जरा थोड़े से, मतलब मैं भी गुजराती हूँ मम्मी के यहाँ से, तो थोड़ा सा टेस्टी खाना उनको बहुत पसंद हो रहता है, तो स्पाइसी टेस्टी इस तरह से गुजराती लोग थोड़ा सा खाते रहते हैं, तो ढोकला मुठिया सब बनाते रहते हैं, थेपला। तो चलिए हम बनाते हैं मुठिया। आज हम दूधी का मुठिया बनाएंगे। तो दूधी को मैंने छील लिया है, थोड़ा सा ही मुठिया बनाना है तो मैंने इसलिए थोड़ा ही दूधी लिया है। ये गुजराती स्टाइल की रेसिपी है। दूधी का मुठिया हम लोग चाय के साथ बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं दूधी का, लौकी का मुठिया, दूधी बोलते हैं हम लोग गुजराती में, लेकिन ये है एक्चुअल में लौकी, लौकी के मुठिए। मुठिए बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म रख दिया है अंदर, इसमें जो ढोकले का कुकर रहता है उसी में हम मुठिया को बाफ से पकाएंगे। लौकी को कद्दूकस कर लिया है मैंने, खीसनी से खीस लिया है। अब इसमें हम आटा मिलाएंगे। आटा में चने का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा बाजरे का आटा मैं मिक्स करूंगी। आपके पास चावल का आटा है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें डाला है अब चने का आटा, बाजरे का आटा और गेहूं का आटा। इसके ऊपर मैं मसाले डालूंगी। अब लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हम अभी डालेंगे हल्दी, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा जीरा डाल देंगे हम इसमें, ताकि वो जीरे का फ्लेवर आता रहे अंदर। और अब हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, कच्चा तेल इसमें डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, नमक डाल दिया है और तेल अब मैं डालूंगी इसमें। थोड़ा तेल, मतलब एक चम्मच, बड़ा वाला चम्मच तेल थोड़ा सा डाल दोगे आप तो ये अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। और मेरे पास थोड़ा सा पाव भाजी मसाला है और मीट मसाला है, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के, पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है। देखिए आप अपने हिसाब से उसके मुठिये बना के हाथ से इसमें ये कुकर में हम बॉईल करेंगे। तो गाइस ये मुठिये मेरे में मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, इसका ढक्कन ढक के अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी, बॉईल कर लूँगी। 15 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट्स इनफ हो जाएगा क्योंकि पहले से पानी मैंने बॉईल करने को रख दिया है, तो पानी गर्म हो गया है, उबल रहा है, तो ये जल्दी से पक जाएंगे फटाक से। और इसमें मुझे थोड़ा भी, ये मुठिया बनाते वक्त थोड़ा भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लौकी ने अपना पानी खुद ही छोड़ दिया था, तो वो उसमें ही ये पूरे मुठिये बन गए हैं। मुठिया मेरा बफ के रेडी है। अब हम इसको बघारेंगे। बघार के लिए हमने ऑयल रखना है और उसमें जीरा, राई, कड़ी पत्ता और हींग, उसका बघार देना है। स्विच गाइस, क्यों ना चाय पिया जाए थोड़ा, तो थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ मैं। बघार के लिए कढ़ाई में लिया है तेल और ये है हींग, राई, जीरा और ढेर सारा कड़ी पत्ता। इससे मैं अब मुठिया का बघार दूंगी। तो बघार मैंने डाल दिया है, अब मैं उसमें मुठिया डाल दूंगी। कैसे जब बघार तड़ 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 होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए राई का आवाज। ये मुठियों को मैंने इस तरह से काट लिया है और अब हम इसको बघार देंगे। थोड़े से लाल होने पे हमारे मुठिया रेडी है। गाइस
एक बार आप बना के देखिए, ये गुजराती मुठिया खाने में बहुत टेस्टी लगता है, चाय के साथ तो बहुत ही औसम लगता है ये। तो फ्रेंड्स, बारिश तो कुछ रुकी नहीं है, मेरा मुठिया बनके भी रेडी हो गया है और अब तो मुझे लगता है रेनकोट पहन के ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, जैसी भगवान की इच्छा। भगवान चाहते हैं कि हम रेनकोट पहन के पार्लर पे जाए, तो उसी तरह से हम रेनकोट पहन के पार्लर पे जाना पड़ेगा। तो चलिए निकलती हूँ पार्लर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।